दोस्तों वो दिन हवा हुए जब ट्रैफिक सिग्नल पर ट्रैफिक जवान पूरे के पूरे ट्रैफिक को संभालने का काम करते थे, बल्कि भारत का ट्रैफिक अब पूरी तरह से बदलने वाला है। टेक्नोलॉजी का हाथ थाम कर भारत का ट्रैफिक अब एक नए आयाम की तरफ पहुंचने वाला है। जी हाँ, आपको ये खबर सुनकर हैरानी जरूर होगी कि अब आपके शहर का ट्रैफिक ट्रैफिक जवान नहीं बल्कि गूगल संभालने का काम करेगा। जी हाँ, गूगल जो अब तक आपका सर्च इंजन था, जिसका इस्तेमाल बस आप जानकारी प्राप्त करने के लिए करते थे, लेकिन अब गूगल ने ट्रैफिक को संभालने का काम भी शुरू कर दिया है और इसकी शुरुआत हुई है बेंगलुरु शहर से। बेंगलुरु, जिसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का शहर तो कहा ही जाता है, लेकिन ये शहर ट्रैफिक जैम के लिए भी बहुत ज्यादा मशहूर है। आए दिन यहाँ की सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती है। जरा सोचिए कि इस समय किसी को इमरजेंसी में अस्पताल पहुँचना हो या ट्रैफिक में से किसी एम्बुलेंस को गुजारना हो, तो एक ट्रैफिक जवान के लिए ये कितना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन अब इस समस्या का हल बेंगलुरु के ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने बखूबी निकाला है। हाल ही में बेंगलुरु के ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने गूगल के साथ टाई अप किया है और अब गूगल बेंगलुरु शहर के पूरे ट्रैफिक की समस्या को हल करने का काम शुरू कर चुका है। लेकिन कैसे, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आप भी सोच रहे होंगे कि भला गूगल इतने बड़े ट्रैफिक जाम को किस तरह से संभालेगा। तो चलिए जरा इसे बारीकी से समझते हैं। आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम तो सुना ही होगा, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो खुद अपने आप को बेहतर बनाने में माहिर है, और बस इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके गूगल बेंगलुरु शहर की ट्रैफिक समस्या का हल ढूंढ चुका है। सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी को बेंगलुरु शहर के हर ट्रैफिक सिग्नल में इंस्टॉल किया जाएगा। इसके बाद ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शहर के ट्रैफिक ट्रेंड को समझने की कोशिश करेगा और उसके बाद इसके सिग्नल कुछ इस तरह से काम करेंगे कि ये ट्रैफिक जैम को होने ही नहीं देगा। अगर इस टेक्नोलॉजी को ये लगता है कि कहीं पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगना शुरू हो चुकी है, तो ये बस उस सिग्नल को तुरंत ग्रीन कर देगा और एक तरफ के ट्रैफिक को तुरंत क्लियर कर देगा। इस टेक्नोलॉजी के बारे में जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस BR रविकांता गावड़ा का ये कहना है कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके 20% तक लोगों का समय बचाया जा सकता है, ट्रैफिक जाम की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। और ये बातें ये हवा में नहीं कह रहे हैं, बल्कि इन्होंने इसके लिए एक पायलट प्रोजेक्ट भी चलाया था। इस प्रोजेक्ट के जरिए उन्होंने देखा कि ट्रैफिक जैम की समस्या से तो उन्हें छुटकारा मिल ही रहा है, साथ ही साथ लोगों का ट्रैफिक सिग्नल का वेटिंग टाइम कम भी हो रहा है। लेकिन दोस्तों, इससे सिर्फ ट्रैफिक सिग्नल की समस्या हल नहीं होने वाली है, बल्कि इसके और भी कई फायदे हैं। जब लोग ट्रैफिक सिग्नल में कम इंतजार करने लगेंगे, तब गाड़ियों का ईंधन बचेगा। लेकिन उन लोगों को सावधान रहना है जो ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन करते हैं, क्योंकि जब कभी भी कोई ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करते हुए दिखाई देगा, तो ट्रैफिक सिग्नल में लगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस ये कैमरे तुरंत उस व्यक्ति की तस्वीर खींचकर ट्रैफिक डिपार्टमेंट तक पहुंचा देंगे और उसके बाद आपके घर में एक लंबा चौड़ा चालान पहुंचा दिया जाएगा। तो जरा संभल कर चलिएगा। इसके अलावा अगर आप गूगल मैप का इस्तेमाल करके बेंगलुरु की सड़कों पर अपनी गाड़ी दौड़ा रहे हैं, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि कहां पर सड़क पर काम चल रहा है, कौन सी सड़क बंद है और इसका बेहतरीन डाइवर्टेड रूट कौन सा है। इतना समझ लीजिए कि अगर आप बेंगलुरु शहर में गाड़ी चलाते हैं, तो यहाँ पर चलने वाली 1 करोड़ से भी ज्यादा गाड़ियाँ अब बिना रुके अपने गंतव्य स्थान पर जल्द से जल्द पहुँच जाएंगी। और इस बारे में BR रविकांता गावड़ा का ये कहना है कि बहुत जल्द ही बेंगलुरु वासियों को शहर के ट्रैफिक में एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। आज बेंगलुरु की बात करें तो आज के समय यहाँ की जनसंख्या 13 मिलियन के करीब पहुँच चुकी है, जिसमें से 1.5 मिलियन लोग हर रोज बेंगलुरु की सड़कों पर सफर करते हैं या शायद उससे भी ज्यादा हैं। इस हिसाब से ये भारत देश का तीसरा सबसे बड़ा आबादी वाला शहर है। वहीं इस शहर में 14,000 किलोमीटर की सड़कों का जाल फैला हुआ है और करीब 44,000 जंक्शन है। सोचिए आज के समय यहाँ के ट्रैफिक के हालात कैसे होंगे। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के आने के बाद ये शहर एक बार फिर मशहूर होने वाला है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि ऐसी टेक्नोलॉजी आपके शहर में भी होनी चाहिए? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप कौन से शहर से हैं और इस टेक्नोलॉजी के बारे में आपकी क्या राय है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों बिल्कुल इसी तरह के एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।